इस टाइम पे एक पॉलिसी बनी है, एंटी नेशनल लोगों की एक पॉलिसी बनी है, मुस्लिम्स को यूज कर रहे हैं हिंदुओं पे अटैक करने के लिए। हिंदू जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं उस पर पीसफुल इनकी सेलिब्रेशंस होती हैं, एक भगवान की पूजा करते हैं और उसके ऊपर मुस्लिम्स टारगेट कर रहे हैं। गुजरात ले लीजिएगा, मध्य प्रदेश ले लीजिएगा, राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान के अंदर तो पूरा, दिल्ली के अंदर जो भी दंगा हुआ है इसके पीछे आम आदमी पार्टी है, इस पे कोई डाउट नहीं है। और अरविंद केजरीवाल का यही एजेंडा है, यही उसका पर्पस है। अरविंद केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल जब पावर में आया तो इसको जो फंडिंग की गई थी या फाइनेंसिंग किया गया था वो किया गया था CIA के द्वारा, क्योंकि इसकी जो कबीर, इसकी जो NGO है उसको भी CIA ने फंडिंग किया था। और CIA कुछ भी हो, इंडिया को नहीं चाहता, इंडिया स्टेबल, इंडिया प्रोग्रेस। अब यहाँ पे कुछ लोग इंडिया से इसलिए परेशान है कि इंडिया के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और पिछली भी देखिए आप, फरवरी 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उस टाइम पे आम आदमी पार्टी वो इन्वॉल्व थी, उसके लोग इन्वॉल्व थे, 57 लोगों की मृत्यु हो गई, मार दिया गया, और जो दंगाई थे बाहर से आए गए। इवन जब अभी गुजरात के अंदर जो दंगे हुए हैं उसमें भी जो मुस्लिम थे बाहर से लाए गए थे, और हमारी गवर्नमेंट इस पर जरूर काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। आप देखते हैं जब यहाँ कोविड की सिचुएशन हुई थी, दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे थे, जो दिल्ली यूपी बिहार से आए थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया, बसें लाई गई और ये कहा गया कि आपके लिए सब कुछ तैयार है, बॉर्डर पे जा रहे हैं, आपको सेफ जगह पहुंचा देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे। बॉर्डर पे जाके इनको छोड़ दिया गया। वो तो शुक्र है कि योगी जी यहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एकदम लोगों को उठा करके बिहार यूपी में ले गए, उनको देखभाल की, देखभाल करने के बाद उनको क्वारंटाइन कर करके 2 हफ्ते के बाद उनको घरों में भेज दिया। अदरवाइज अगर योगी ये काम नहीं करते तो यहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती, मार दिए जाते। लेकिन इसके पीछे आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का क्या एजेंडा था? केजरीवाल का ये एजेंडा था कि ये जब लोग यहाँ से भागेंगे तो इनके बदले यहाँ पे भगा करके इन्होंने यहाँ पे जो रोहिंग्या और मुस्लिम्स को उन घरों में बसा दिया और इनके कार्ड बना दिए, इनके राशन कार्ड बना दिए, वोटर कार्ड बना दिए, इनको लीगलाइज तरीके से इंडिया में बसाने का काम वो कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ बहुत धोखा किया है, उनकी पीठ में इसने छुरी घोंपी है बार बार, और यहाँ के लोग शायद समझ नहीं पाए कि केजरीवाल का एजेंडा क्या है, केजरीवाल क्या चाहता है। केजरीवाल चाहता है इंडिया की को डिस्टेबलाइज करना। आप कुछ देर में देखेंगे पंजाब के अंदर भी यही होगा, वहां पर जो खालिस्तानी वहां पे आकर के कुछ ना कुछ दंगा या हरकत करने की कोशिश करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट फेल हुई है, गवर्नमेंट के पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की तरफ देख रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को अपनी एजेंसीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पुलिस फोर्स उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही है, और मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को एक स्पेशल यूनिट बनाना चाहिए, वो यूनिट जो रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करके उनको देश से बाहर निकाले, क्योंकि इन लोगों का देश में रहना हमारे लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरह जो बांग्लादेश की देशों को निगाह, और लेकिन सिर्फ इनके घर तोड़ के मुझे लगता है कि हम एक जरूर एक पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं कि जहां से दंगा होता है उनके घर तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद इनके साथ और भी काम होना चाहिए। इनको जो बेनिफिट मिलते हैं चाहे किसी योजना के अंदर, चाहे इनको घर के लिए पैसे मिलते हैं, इनके सबके जो ऐसे जो पैसे मिलते हैं बंद कर देने चाहिए। और स्पेशली जहाँ पे एक यो जहाँ पे बार बार होते हैं वहां के लोग जो रहते हैं उनको बड़े सिलेक्टिव फंड देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, या उनको गवर्नमेंट की स्कीम के लिए के अंदर उनको बेनिफिट देना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में और ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारे ऐसे जो फंक्शंस होते हैं हिंदुओं के उस पर अटैक, बड़ी सीरियस बात है। और इसके ऊपर कांग्रेस हो, चाहे इस टाइम पे समाजवादी पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और मैं सोच आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल की वो सबसे आगे है हिंदुओं को टारगेट करने पे, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने में, हिंदू धर्म से ये नफरत करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू अपने आप को कहते हैं, लेकिन हिंदू ने कांग्रेस कभी भी इस देश का सगा नहीं हो सकता जैसे केजरीवाल। तो गवर्नमेंट को केजरीवाल को काउंटर करने के लिए भी बड़े इफेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे जो BJP का स्टेट यूनिट है इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि केजरीवाल की जितनी भी मिसडीड्स हैं उसको एक्सपोज किया जा सके। केजरीवाल की सपोर्ट है क्योंकि ये उनको फंडिंग देता है, केजरीवाल 500 से लेकर 700 जो यूट्यूब चैनल्स है उनको बहुत सारा पैसा भी देता है, ताकि उस केजरीवाल के झूठ को फैलाते रहे, केजरीवाल की मिसडीड्स को कवर करते रहे, केजरीवाल के जो यहाँ पे उल्टे सीधे कारनामे हैं उसको ना बताएं, और साथ में दूसरी तरफ केजरीवाल को क्रेडिट दें। आप फाइल्स का इशू ले लीजिएगा किस तरीके से केजरीवाल ने हिंदुओं का मजाक उड़ा दिया, कश्मीरियों का मजाक उड़ा दिया,
और उसके बाद कहता है कि हमने तो कश्मीरियों को यहाँ नौकरियां दी है, हमने हजारों नौकरियां दी हैं। जब पता चला तो केजरीवाल ने वहां पे 200 से कुछ ऊपर लोगों को नौकरियां दी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अदरवाइज हमेशा उनको ऑब्जेक्ट करता रहा या उनके खिलाफ केस में जाता रहा। अगर वहां पे नौकरी देनी थी तो हाईकोर्ट चला गया, जब हाईकोर्ट से हार गया तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, जब सुप्रीम कोर्ट से हार गया तो इसके पास कोई चारा नहीं था। केजरीवाल इस देश के लिए एक नासूर है। केजरीवाल दिल्ली में बैठ करके दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहा है, दिल्ली के लोगों को के साथ खिलवाड़ कर रहा है और साथ में खिलवाड़ कर रहा है इस देश के साथ। जिस तरीके से ये दंगे लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा कि नए साल पे भी दंगा हुआ, इस तरीके के देश में अलग अलग जगहों पे इस तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से यूपी में इसको ट्रैकल किया जा रहा है, यूपी एक बड़ा स्टेट होते हुए भी उसमें किस तरीके से कंट्रोल किया गया, क्या दिल्ली में ये संभव है? देखिए यूपी दिल्ली की, यूपी एक अलग जगह है, दिल्ली के अंदर कुछ भी अगर होता है उसके लिए वर्ल्ड की नजर हो जाती है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को ध्यान से रखना पड़ता है। फिर दिल्ली के अंदर एक नासूर बैठा हुआ है जो दिल्ली को रूल कर रहा है और वो दिल्ली के अंदर बैठ के दंगे करा रहा है, पावर में है, उसके पास यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, यहाँ के इमामों को पैसे देता है, इमामों को सैलरीज देता है, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए मस्जिद बनवाता है, यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको बसाता है, स्पेशली बांग्लादेशी रोहिंग्यास उनको बसा के रखा हुआ है, तो पॉसिबल तो सब कुछ है। लेकिन एक तरफ तो बात यह है कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, गवर्नमेंट को चाहिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, साथ में दिल्ली सीआईडी उसको स्ट्रेंथन करे, साथ में आईबी को और ज्यादा ड्यूटीज दे दिल्ली के अंदर, और साथ में यहाँ के किस तरीके से रोहिंग्यास को बाहर निकाला जा सकता है, किस तरीके से बांग्लादेशी को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये केजरीवाल की जो मेन आम है जो उसके लिए काम करती है, जो उसके लिए दंगे करती है, ये वो है। जैसे आप देखते हैं कि जब दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे तो चाहे शर्जिल इमाम हो चाहे ताहिर हुसैन हो, सारे के सारे अभी जेल में बैठे हैं और बाकी कोशिश कर रहे हैं बेल लेने की, इनको बेल नहीं मिल रही। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को और तरीके से काम करना पड़ेगा, साथ में एक पीएफआई है, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बैन करे, किस तरीके से बैन करे, क्यों गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया, क्या रीजंस हैं, क्या गवर्नमेंट ज्यादा बेटर जानती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को और तरीके से प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से दंगाई उनको कंट्रोल किया जाए। जो दंगे हो रहे हैं इंडिया के अंदर एक बड़ी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर हो रहे हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ फॉरेन हैंड है, इसीलिए दिल्ली के अंदर या बाकी जगह के अंदर दंगे हो रहे हैं। दंगे तब हो रहे हैं जब इंडिया अपना जो स्पेशल ओकेशंस हैं, चाहे हनुमान जी की जो जयंती है उसको मनाने में लगे हैं, उसको नुकसान करने में लगे हैं, और पीएम मोदी दूसरी तरफ जैसे हनुमान जी की अभी मूर्ति का अनावरण किया है इन्होंने गुजरात के अंदर, वो हिंदू के जो संस्था है उसको स्ट्रेंथन करने में लगे हैं अपने तरीके से। लेकिन इसके लिए हमको और तरीके से गवर्नमेंट के बाकी यूनिट्स उनको काम करना पड़ेगा, और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि इनको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हो सकता है कि इनको इन ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इनको स्पेशल पावर्स देनी चाहिए, पुलिस को स्पेशल पावर्स देनी चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्पेशल पावर्स देनी चाहिए यहाँ के जो बीजेपी के यूनिट है उनको, ताकि इनको और इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। और जब तक यहाँ के लोग केजरीवाल पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे, मैं सोचता हूँ कुछ नहीं होगा।